الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي सूरतुल बकरा की आयत नंबर 41 से हासिल होने वाली बातों का या फवाइद का हम जिक्र कर रहे थे और अब तक हमने तीन बातों का जिक्र किया था। चौथी बात इस आयत करीमा से हमें ये मालूम होती है कि जो कुछ दुनिया के अंदर है वो तमाम का तमाम कलील है, थोड़ा है। दुनिया में जो कुछ अता किया जाता है, दिया जाता है, मिलता है, इंसान असबाब इख्तियार करके हासिल करता है, वो तमाम बातें थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला, तुम मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत पर मत बेचो। वो थोड़ी सी कीमत जिस पर वो बेचते थे यहूद, वो क्या चीज़ें थी? वो दुनिया का ओहदा था, मनसब था, सरदारी थी, दौलत थी, इस सारी बातों को के लिए वो अल्लाह की आयात और अल्लाह के अहकाम को बेच दिया करते थे, यानी छुपाते थे तो वो या बेचते थे। अगर जाहिर करेंगे, बताएंगे, पहुंचाएंगे तो ये सारी जो रियासत है, सरदारी है, ओहदा है, मनसब है, पैसा है, दौलत है और जो कुछ वो चाहता है, इज्जत है, ये सब क्या ख़त्म हो जाएगी? ख़त्म होने का मतलब चले जाएगी, ऐसा उनको लगता था। तो इसके बिलमुकाबिल में अल्लाह ताला ने इसको क्या कहा, समनन कलीला। समन मतलब कीमत और कलील मतलब थोड़ी, थोड़ी कीमत है ये क्या है, थोड़ी कीमत है। तो इससे ये पता चला कि दुनिया की जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, अल्लाह की आयात के और अल्लाह की नेमतों के जो अल्लाह ने आखिरत पे रखी, उसके मुकाबले बहुत थोड़ी सी। और अगर आप इसको और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक और दलील है, सूरह निसा की आयत नंबर 77 पढ़िए। अल्लाह फरमाते हैं, कुल, ए नबी आप कहिए, मताउद दुनिया कलील, दुनिया का फ़ायदा उठाने वाला सामान या फ़ायदा उठाने वाली चीज़ कलील, बहुत थोड़ी है। वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका, आखिरत उसी इंसान के लिए बेहतर होगी, खैरुल लिमन इत्तका, जो तकवा इख्तियार करेगा। तो मालूम यह हुआ कि दुनिया का जो कुछ भी फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है वो कलील है, थोड़ी है। चाहे मुद्दत के अतबार से ले लो कि कितनी मुद्दत तक रहेगा वो फ़ायदा उठाने वाला चीज़, जब तक सलामत है जब तक। और अगर आप ले लें उसको तादाद के लिहाज से तो फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। पैसा, इज्जत, शोहरत, अगर उसकी तादाद भी देखेंगे थोड़ी है ना, जब तक इज्जत है, सलामत है तो इज्जत है, और जैसे ही इज्जत बिगड़ी तो फिर भी इज्जत ही आ गई, तो कितनी मुद्दत हुई इसकी, थोड़ी मुद्दत। एक मिसाल के तौर पर ये बात बयान की गई। तो बहरहाल, वला तुज़लमून फतीला, और अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि तुम पर फतील बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फतील क्या चीज़ है? फतील का एक माना होता है धागे के बराबर या ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा, या खजूर के शिगाफ के अंदर एक डोर सी होती है। आपने खजूर खाया होगा, उसका बीज देखा हो, बीज के अंदर एक शिगाफ बना होता है, लाइन बनी होती है, उसके अंदर एक छोटी सी डोर होती है बारीक सी, उसको फतील कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उसकी मिसाल दी, वला तुज़लमून फतीला, इतना बराबर भी तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने एक मरतबा एक तरफ दुनिया के सामान का जिक्र किया, दूसरी तरफ आखिरत का जिक्र किया, बताया मताउ दुनिया कलील, दुनिया का मता बहुत थोड़ा है, इसके लिए आखिरत ना बेच दो, इसके लिए अपनी आखिरत दाव पर मत लगा दो कि थोड़ी दुनिया हासिल करने के अल्लाह के अहकाम को छोड़ने लग जाओ, अल्लाह के हुक्मों को ना करने लग जाओ, अल्लाह की मना करदा चीज़ों की तरफ जाने लग जाओ, हलाल और हराम की तमीज़ खो दो। तो ये चीज़ें हुई। ये चौथी बात थी जो हमारे सामने है। पांचवी बात इस आयत करीमा से हमें ये भी मालूम होती है कि अल्लाह की आयात में बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह की आयात में एक चीज़ क्या है, अल्लाह की शरीयत है, अल्लाह के बनाए हुए कवानीन है, कानून है। और वो कवानीन कैसे हैं, इनके अंदर अदल होता है, पहली चीज़, ये इंसाफ पर और अदल पर बनाए गए होते हैं।
अल्लाह ने बनाया, इसलिए इसमें अदल है, इंसाफ है। दूसरा क्या, इसमें इस्लाह है, लोग इससे सही होंगे। अल्लाह के कवानीन में क्या है, दो चीज़ें, नंबर एक इंसाफ है। कोई अल्लाह के कानून में समझे कि इंसाफ नहीं है वो काफिर हो जाता है। अगर कोई ये समझ लेता है कि अल्लाह के कानून में इंसाफ नहीं है तो वो कुफ्र नहीं करता है, कुफ्र करेगा। और अल्लाह के कानून में इंसाफ है। कोई कहे औरतों को पर्दे में क्यों रखा गया, घर में क्यों रखा जा रहा है, ये तो ना इंसाफ ही हो गया औरत के साथ, इस तरह समझे ना समझी में या फिर किसी और फिक्र से मुतासिर होकर, क्या कहेंगे इसको? पहले ही माफ़ी करे, देखे, समझ में आए तब भी ईमान रखना है, नहीं समझ में आए तब भी ईमान रखना है कि अल्लाह के कानून में इंसाफ। मैंने एक मिसाल दी है, और इस्लाह है इस कानून में, इस्लाह यानी इससे इस्लाह ही होगी, बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता अल्लाह के कानून को अपनाने से, कभी बिगाड़ नहीं पैदा होगा। आजमाइश आना अलग चीज़ है, लेकिन बिगाड़ पैदा हो जाए ऐसा नहीं होगा। बरखिलाफ़ इंसान के बनाए हुए कानून के अंदर क्या है, इसमें जो इंसान एक निज़ाम बनाता है, सिस्टम बनाता है और एक कानून बनाता है और लागू करता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं। कभी कभी इंसानी कानून में नफ्स अदल नहीं होता, कभी कभी उसमें इस्लाह नहीं होती है। देखिए इसकी वजह है, इसकी तीन वजह है बुनियादी तौर पर। पहली वजह यह है कि इंसान को जो इल्म दिया गया है वो नाकिस है, उस नाकिस इल्म और नॉलेज से वो क्या करता है, कानून बनाता है। अब जिसका इल्म ही नाकिस है, कम है, वो क्या कानून बनाएगा, ठीक, एक चीज़। दूसरा ये कि इंसानों की और इसी तरह मखलूकात की जो मसलियातें हैं, जो फ़ायदे हैं, वो उसको पूरी तरह जानता नहीं है, पूरी तरह इंसान नहीं जानता है मुकम्मल तौर से हर चीज़ के बारे में। वो जानता हो ऐसा है क्या, उनकी मसलियातों के बारे में, उसकी फ़वाद के बारे में, नुकसान के बारे में नहीं जानता, किसको कौन सी चीज़ फ़ायदा देगी नुकसान देगी सारी बातें इंसान को नहीं मालूम है। तो जब वो कानून बनाएगा तो उसका कानून कैसा होगा, ना तो अदल पर मबनी होगा, यानी ना तो इंसाफ होगा उसके अंदर और ना ही उसके अंदर इस्लाह होगी। कानून चलते थोड़ी दिन तक, फिर क्या कर दिए जाते, तोड़ दिए जाते, और लोग कहते हुए नजर आते हैं कानून बनते हैं इसलिए कि तोड़ा जाए उसे, रूल्स बनते हैं इसलिए कि उसे तोड़ा जाए। तो ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, अच्छा अगर हम मान भी लें इस तरह की बात, तो देखेंगे कि इंसानों के जो कानून बनाए होते हैं उन पर ये बात होती है कि कानून के यानी मखलूकात की जो मसलियातें हैं, जो फ़वाद हैं, वो छुपे हुए भी होते हैं। क्या होते हैं, छुपे होते, मालूम नहीं होता कि इसके पीछे किस मखलूक की कौन सी मसले तो कौन सा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारे इंसानों को छुपी हुई होती है। क्या होता है, कभी कभी इंसान किसी कानून के पीछे सोचता है मसलियत है, हालांकि मसलियत होती नहीं है, और कभी कभी सोचता है मसलियत है लेकिन वो मसलियत होती नहीं है ना, कभी सोचता मसलियत है फ़ायदा है लेकिन होता नहीं है, कभी सोचता है कि फ़ायदा नहीं है लेकिन फ़ायदा होता है। तो ये सब छुपी हुई है ना इंसान की नज़रों से, इंसान के इल्म और नॉलेज सब छुपी हुई है। जब मालूम नहीं है तो वो एक कानून बनाएगा तो गायब सी बात है, उसके कानून में ये बात नहीं होगी जो अल्लाह के कानून में है। नंबर तीन, अगर हम ये मान लें कि कोई इंसान ऐसा है जिसने एक निज़ाम और कानून बनाया, लोग क्या कानून बनाने वाले को खुदा समझ लेते, मालूम है कि नहीं आपको, ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे इस तरह के, उसमें देखेंगे जो कानून बनाने वाला होता है उसको बड़ा दर्जा दिया जाता है, यानी खुदा का दर्जा दे दिया जाता है। तो कोई ये कहे कि जिसने कानून बनाया है तो ये इंसानों में बहुत ज़हीन है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों को जाए, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में जानने वाला है, लेकिन ठीक है ये सारी बात अपनी जगह, लेकिन उसने जो कानून बनाया है उस कानून का ज़माना महदूद होगा और उसका मकान यानी जगह महदूद होगी, यानी उसका कानून एक वक्त तक रहेगा और उसके बाद एक जगह के लिए रहेगा। ज़रूरी नहीं पूरे वक्त के लिए उसका कानून चल जाए, और ज़रूरी नहीं कि हर जगह चल जाए, नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इंडिया का कुछ कानून है वो इंडिया में चल सकता है, कहीं और चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरे का कानून वहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, नहीं चलेगा, और कुछ वक्त तक चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हम तारीख पढ़े, हिस्ट्री पढ़े तो बहुत सारे कानून बने और कई सालों तक चले, लेकिन तबाहियाँ आई और ख़त्म भी हो गए, लोगों ने उस कानून को ख़त्म किया, दूसरा लाया। लेकिन अल्लाह का कानून जो होता है वो अटल होता है, वो शुरू से लेकर आखिर तक हर जगह के लिए, हर वक्त के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये अल्लाह के कानून की बात है। बल अल्लाह ताला के फरमाया था, शुरू भी आया थी तमन कलिया, तुम अल्लाह की आयात के को छोटी कीमत में, तो अल्लाह की आयत में क्या है, अल्लाह के कानून भी हैं।
बहरहाल एक मुसलमान को ये चाहिए, एक मुसलमान मशरक़ को ये चाहिए कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान मशरक़ी मगरबी और इस तरह के कवानीन से मुतासिर हुए और उसको अपने कवानीन को छोड़ दिया। उनको लगता है कि इस्लाम का कानून जो है ना तो अदल पर है। बहुत सारे लोग हैं ये कानून को मानते ही नहीं, बहुत सारे अहकाम को मानते नहीं मानते हैं। ख़ास तौर पर हम देखें हिंदुस्तानी तनाजुर में पर्दे का तो इंतज़ाम निज़ाम सिस्टम नहीं है। घरों में कोई पर ख़वातीन पर्दे ही नहीं करती हैं। कितने लोग ऐसे हैं पर्दे ही नहीं करती हैं ख़वातीन औरतें, और सोचती हैं ये जबर है और जुल्म है और क्या ना जाने क्या क्या दुनिया भर की। चलो आप नहीं कर रहे, गलत कर रहे, ठीक है, लेकिन उसको ये कहे कि वो सही नहीं है, पुराने लोग के ख्यालात है, दकियानूसी है, इस तरह की बात करके उस कानून को रद्द करना, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है, इंतहाई संगीन चीज़ है, इस पर गौर करना पड़ेगा। बहरहाल ये दो बातें हमने आपसे जिक्र की है, दो बातें और रही इंशाल्लाह उसका जिक्र आइंदा दर्स में हम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन तो हमें कुरान हकीम की पाबंदी से तिलावत की तौफीक अता फरमा, उसको समझ कर गौर करके पढ़ने की तौफीक अता फरमा और उसके मुताबिक अपने अकीदा ईमान और इस्लाह की तौफीक अता फरमा। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।